तो सर्दी का पारा बढ़ गया है, लेकिन जितनी सर्दी इस वक्त फिजाओं में नहीं है उससे कहीं ज्यादा सिहरन उठ रही है 16 दिसंबर की उस वारदात को याद करके जो आज से एक साल पहले दिल्ली में हुई थी। 16 दिसंबर को निर्भया के साथ हुई दरिंदगी को देश आज भी नहीं भूला है। आज देश उसी निर्भया को श्रद्धांजलि दे रहा है जो दुनिया से चली गई लेकिन जाने से पहले आवाम की आवाज बन गई। देश में जगह जगह आज निर्भया को याद किया जा रहा है, कहीं कैंडल मार्च करके तो कहीं हवन के जरिए निर्भया को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज भी उस दरिंदगी को लेकर लोगों में गुस्सा है तो कहीं देश की उस बहादुर बेटी को याद करके फिर से लोगों की आंखें आज नम है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि देश के दिल में आज भी जिंदा है निर्भया। तो आप ये चार तस्वीरें इस वक्त यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से निर्भया को याद किया जा रहा है। इसी तरीके से दिल्ली के पीतमपुरा में भी निर्भया को लोग वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, निर्भया को याद कर रहे हैं। वहां पर हमारे संवाददाता कुंदन वहां पर मौजूद हैं। कुंदन, किस तरीके से लोग निर्भया को याद कर रहे हैं, उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं? सबको याद है वो रात। देखिए, आप जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से कैंडल यहाँ पे सब लोगों ने जलाया है। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस हिसाब से निर्भया का केस हुआ था उसके बाद से एक साल बाद हो गया है, क्या अभी भी आप लोगों को डर लगता है दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल लगता है, बल्कि ज्यादा ही लगता है कि कोई भी चेंज नहीं है, ना ही उन कल्प्रिट को कोई सजा मिली है, इसमें से किसी में कोई डर नहीं है। इनफैक्ट रेप केसेस अभी भी चल रहे हैं। आप लोग किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं निर्भया को आज? Yeah, we are presenting candles and we are taking in many things and for her and we are feeling very good for her. जिस हिसाब से निर्भया का केस हुआ था किस तरीके से आप लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में ये बात को फैला सके कि दोबारा कोई निर्भया इस दुनिया में जन्म ना ले, हम दोबारा ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ना आने दे कि फिर से कोई एक निर्भया ले, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के 16 दिसंबर की उस घटना को आज एक साल पूरे हो गए हैं, पूरा देश आज निर्भया को याद कर रहा है, अलग अलग तरीके से लोग निर्भया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं हवन के जरिए लोग निर्भया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि दोबारा किसी निर्भया के साथ वैसी वारदात ना हो। और साथ ही साथ ये आवाज भी उठा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो कड़ा कर दिया गया है लेकिन उसे अमल में लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सुरक्षा को लेकर जो पुलिस और जो सरकार दावे करती है उस पर वो खरी उतरे। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं हवन का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं लोगों की आंखें नम है निर्भया को याद करके। निर्भया भले ही चली गई लेकिन उसने देश को जगा दिया और आज निर्भया की वजह से ही आज कड़ा कानून बना है जिससे कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर समझ सकती हैं कि अगर उनके खिलाफ किसी ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की या फिर उसके साथ कोई अपराध किया तो ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। आज एक साल हो गए उस वारदात को, उस घटना को, 16 दिसंबर की उस रात को जब दिल्ली में निर्भया के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और आज एक साल के बाद लोग निर्भया को याद कर रहे हैं लेकिन लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। वुमेन सेफ्टी को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो गुस्सा लोगों का आज भी जाहिर होता नजर आ रहा है। सड़कों पर लड़कियां निकली हैं, रैली निकाली गई है, कैंडल मार्च निकाला गया है और कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बार फिर वो सवाल उठाया गया है कि तमाम दावों के बावजूद भी लड़कियां अपने आप को आज भी सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर पाती। तो ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। निर्भया कांड को लगभग एक साल पूरे हुए और आज पूरा देश निर्भया को याद कर रहा है, उसे श्रद्धांजलि दे रहा है। देश भर के अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन लगातार बने हुए जो कि दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। कुंदन, आप बताइए किस तरीके से वहां पर लोग और जो लड़कियां वहां मौजूद हैं, ब्रेक से पहले आपने कुछ लड़कियों से बातचीत भी की थी, जो लड़कियों का ग्रुप है, किस तरीके से निर्भया को वो श्रद्धांजलि दे रही है? देखिए, अब जो मैंने अभी बताया, अभी यहाँ पे एक रॉक शो भी हो रहा है और जो पूरा का पूरा ब्रेव हर्ट शो करके है निर्भया करके यहाँ पे प्लान किया गया है और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पे लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं जो कि इसको ट्रिब्यूट दे रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ।
किस तरीके से आप लोग ट्रिब्यूट कर रही हैं निर्भया को आज? जी हम यहाँ पर सैम के अंदर जो यूथ इनिशिएटिव ड्राइव है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और एक सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ओपिनियन बिल्डिंग एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, फैमिली, मीडिया फ्रेटर्निटी, जिनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को सुधारने की, कि वो जागे और समाज को सुधारे।